नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। अवैध खनन पर चला सीओ राकेश नायक का चाबुक। अतरिया में घरों में दमकर रखी गई तकरीबन 500 ट्रालियों के लगभग बालू को बरामद किया गया। पलियाकला क्षेत्र में हो रहे खनन की शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर ये मामले को उजागर किया है। खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई, क्या गया? ऊपर से निर्देश मिल रहा था कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, कुछ लोग जो है लिप्त हैं। फिर हम लोग सुबह 2 बजे से लगे थे, तो 4 टालियाँ हम लोगों ने पकड़ लिया। फिर 1 टाली का पीछा करते हुए हम लोग पलिया से यहाँ तक आए, तो अपने घर पर गाड़ी ला खड़ा कर दिया और भाग गया। तो जब हम यहाँ पर पूरा चेक किए हम लोग, तो करीब 500 टाली बालू पकड़ा गया। 4 टालियाँ हम लोग ले कर थाने जा रहे हैं और इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी न्यायसंगत की जाएगी। सर, गांव में घरों के बाहर कितने डंप बने हुए हैं? लगभग 500 टाली बालू यहाँ पे है। अब कौन इसके पीछे है उसका भी हम लोग पता लगाएंगे। कौन करवा रहा था, किसका हाथ है, सब कुछ सामने आ जाएगा।